दोस्तों सत श्रीकाल राम राम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आज की हमारी ये वीडियो डालने का जो पर्पज है जो मकसद है वो ये है कि हमारे बहुत सारे पत्रकार भाई बहुत सारे बुद्धिजीवी बहुत सारे समझदार लोग हमारे ऊपर ये अक्सर एक सवाल करते हैं कि भाई आप सरकार के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं। और पिछले दिनों हाईकोर्ट की तरफ से भी ये बात कही गई कि किसानों के और सरकार के अंदर आत्मविश्वास की कमी है यह पाया गया ये क्यों हो रही है ये बात हमारे इस इस पूरी कहानी के पीछे जो सच्चाई है जो तथ्य है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं आपने देख लेना कितना ये कहानी ये बात जो कही जा रही है इसकी वजह क्या इसका कारण क्या पिछले समय में 2020-21 में देश के किसानों ने दिल्ली की बरूहों पर बैठकर लगातार तेरह महीने आंदोलन किया तीन कानून रद्द करवाने के लिए और एमएसपी की गारंटी कानून लेने के लिए और वो जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन को संपन्न होते ही भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि हमारी तपस्या में कहीं ना कहीं कमी रही है हम किसानों को समझा नहीं पाए हम किसानों से क्षमा मांगते हैं और ये तीनों कानून वापस लेते हैं और उसके बाद बैठ के चलती रही जब बैठ के चलती रही तो एक ये लेटर ये लेटर सरकार की तरफ से हमें वहां पे दिया गया इस लेटर में क्लियर कट ये बात मानी गई है कि जितने भी आंदोलनकारियों के ऊपर केसेज लगाए गए हैं वो दो ए जो पॉइंट उसमें ये दर्ज की गई है बात वो सब के सब केस तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाएंगे ये कहा गया था लेकिन हमारे बहुत सारे साथी अभी भी उलझे हुए हैं उन केस मुकदमों में अभी भी उलझे हुए हैं ये भी नहीं है कि कहीं पे कोई वापस नहीं लिया गया कुछ वापस लिए भी गए हैं लेकिन बहुत सारे अभी किसान उलझे हुए हैं जब ये तीन कानूनों की जिनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं इनका बिल पेश होना था पार्लियामेंट के अंदर उस दिन पूरे भारत से कुछ संगठनों ने इकट्ठे होकर इसका विरोध प्रदर्शन जो हमें जगह दी गई है जंतर मंत्र पे वहां पे हमने एक कुछ समय के लिए रोज रोज प्रदर्शन करने का प्रयास किया यहां से हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये केस रजिस्टर किया गया हमारे लोगों के ऊपर और आज उस केस के संबंध में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये देखिए ये हमारे किसानों के खिलाफ वरंट निकाले जा रहे हैं ये वरंट निकाले जा रहे हैं ये हमारे ऊपर भी हैं हमारे और साथियों के ऊपर भी हैं तो सवाल यहां से ही उठता है कि भाई उस पत्थर का क्या बना वो भी तो एक विश्वास था रिटर्न में लिखत में विश्वास दिया था कि किसानों के केस मुकदमे तुरंत प्रभाव से जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं सब वापस लेगी सरकार लेकिन अभी तक देश का किसान उसमें उन सबको उलझाकर रखने का काम सरकार की तरफ से किया जाए तो अगर ऐसा होगा ऐसा ही बार बार होगा लोगों के साथ ऐसा ही जो इन्होंने एमएसपी की गारंटी कानून बनाने के लिए एमएसपी की कमेटी बनाने की बात कही थी उसमें भी यही बात कही गई थी आपके ध्यान में होगा कि हम एमएसपी गारंटी कानून के लिए कमेटी गठित करेंगे और जब वो कमेटी गठित हुई उसके टर्म एंड रेफरेंसेज हम मांगते रहे बार बार मांगते रहे जब उसके बारे में पता चला कि उसमें कहीं पे भी एम एस पी की गारंटी कानून देने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया तो देखिए सरकार की तरफ से विश्वासघात नहीं है तो और क्या है देश के किसानों के साथ विश्वासघात बार बार किया जा रहा है सरकार ने यह भी कहा था कि हम एमएसपी की गारंटी कानून देंगे यह देश के प्रधानमंत्री जिस समय 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय इन्हीं के हाथ का लेटर पड़ा सरकार के पास कि एमएसपी की गारंटी कानून चाहिए लेकिन आज जब वही ताकत में है तो वो दे नहीं रहे किसान जो मांग रहे हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं तो यह पूरी घटनाक्रम यह बताता है कि सरकार की खुद की मंशा ठीक नहीं है और अगर फिर ऐसे हालात में किसान विश्वास करे तो कैसे करे सवाल यही है सो हमारा अगर सरकार इस विश्वास को बहाल करने का प्रयास करे सरकार इस विश्वास को बनाने का काम करे अगर जो हमारे साथ वायदा किया उस वायदे को पूरा कर देती तो किसानों को यह दोबारा दोबारा आंदोलन करने की जरूरत ही ना पड़ती और यह बात ही ना आती कि किसानों को सरकार के ऊपर विश्वास क्यों नहीं हो रहा मैंने आज की इस वीडियो में अगर मैं और ज्यादा लंबी बातें करूंगा तो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसके लिए इतनी बात ही मैं कहनी चाह रहा हूं कि यह एक बहुत बड़ा सबूत आपके सामने वायदा किया तुरंत प्रभाव से सभी केस वापस लिए जाएंगे और केस और रिटर्न में दिया जो बहुत सारे साथियों को भुलेका है कि ये तो भाई जुमानी बात होती है जो उसको तो मानता नहीं कोई ये तो रिटर्न में है उनका लेटर है सरकार की तरफ से आया हुआ और उसमें मानकर ये भी तब भी नहीं किया जा रहा और अब उस खिलाफ किसानों के खिलाफ वरंट निकाले जा रहे हैं तो फिर ऐसे में विश्वास होगा तो कैसे होगा विश्वास को बढ़ाना है विश्वास को मजबूत करना है विश्वास को और आगे बढ़ाने की जरूरत है तो सरकार को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा किसानों का विश्वास जीतना पड़ेगा तभी जाकर विश्वास होता है केवल किसानों का नहीं पूरे देश के अंदर लोगों का विश्वास जीतने के लिए जो सरकार बात कहती है उस बात को पूरा करना चाहिए अगर नहीं पूरा करती तो ये बात होती है सो बहुत बहुत धन्यवाद